मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। आज के वीडियो में मैं आपको डिफेमेशन, हाउ टू फाइल ए डिफेमेशन केस, कैसे डिफेमेशन यानी मानहानि का मामला न्यायालय के समक्ष आप लगा सकते हैं। देखिए, प्रायः लोग एक दूसरे को शब्दों के द्वारा, कार्टून के द्वारा, कोई प्रकाशन के द्वारा, मुंह पर कोई ऐसा, तो ये डिफेमेशन या मानहानि का मामला आप इस्तगासा के रूप में लगा सकते हैं न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष। इसमें आप FIR वगैरह करने यद्यपि जाते हैं, लेकिन ये मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है। तो अभी मैं इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए, आपकी जानकारी बढ़ेगी। और मैं इस वीडियो में डिफेमेशन, कोई भी व्यक्ति जिसकी मानहानि करता है, कैसे करता है, कोई आरोप लगाता है, लांछन लगाता है, झूठी अफवाह फैलाता है उसके खिलाफ, प्रकाशन करता है, उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है, तो वह व्यक्ति सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार की रेमेडी उसके पास या उपचार उपलब्ध है। उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने उसकी मानहानि की है न्यायालय में संकेत के द्वारा, फोटो के द्वारा, लांछन के द्वारा, उस व्यक्ति की गरिमा प्रतिष्ठा खराब करने का प्रयास कर रहा है, उसका इंटेंशन ख्याति को आपकी नुकसान पहुंचाना है, मानहानि करना है, या नॉलेज होना भी पर्याप्त माना गया है। आपकी जानकारी में जैसे ही ये चीज आती है, आप मानहानि का मामला उसके विरुद्ध लगा सकते हैं। बोला हुआ शब्द पब्लिकली वो बोलता है, इशारों, कार्टून से, शब्दों के द्वारा, प्रकाशन करता है, ख्याति, सामने वाले की प्रतिष्ठा खराब करना उसका मुख्य उद्देश्य है, तो ऐसी संस्था, फर्म, इवन मरे हुए व्यक्ति जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके विरुद्ध भी आप डिफेमेशन केस ला सकते हैं। धारा 499 IPC में इसकी डेफिनेशन है और 500 में इसके दंड को दिया गया है। सजा 2 साल तक की है और इसके में फाइन भी किया जा सकता है। सिविल केस में जहां तक है, तो आपकी प्रतिष्ठा किस स्तर की है, ये सारा मापदंड होने पर आप उसके हिसाब से कोर्ट फीस करके सिविल केस भी इस्तगासा के रूप में उस व्यक्ति के विरुद्ध मजिस्ट्रेट के यहाँ लगा सकते हैं न्यायालय के समक्ष। तो समाज में कितनी आप प्रतिष्ठा हुई आपकी है, कितना आपको नुकसान हुआ है, डैमेजेस, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कोर्ट फीस है, आप इस तरह वो केस फाइल कर सकते हैं। मौद्रिक मूल्यांकन जिसे कहा जाता है कि आपकी ख्याति कितने करोड़ की है, कितने लाख की है, उस हिसाब से आप कोर्ट फीस पे के ये इस्तगासा लगा सकते हैं। अलग अलग स्टेट में जैसा मैंने बताया कोर्ट फीस अलग अलग हो सकती है और उसके हिसाब से आप ये मानहानि का मामला लगा सकते हैं। तो हाउ टू फाइल ए डिफेमेशन केस, ये सरल भाषा में मैंने आपको बताया। मानहानि किसी भी व्यक्ति की, उसकी ख्याति की, उसके ऊपर आरोप, लांछन, झूठे आरोप लोग लगाते हैं उसकी इज्जत खराब करने के लिए, प्रतिष्ठित व्यक्ति के खिलाफ उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा जिससे तार तार हो जाए, तो इससे निपटने का यही एक उपचार है जिसमें आप सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस लगा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों दोस्तों को भेजिए, परिचितों को भेजिए और जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में इसी तरह की छोटी छोटी जानकारियों के लिए। मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी आपकी कानूनी जानकारी बढ़ाने का सरल शब्दों में प्रयोग कर रहा हूँ। आपका काफ़ी भरपूर स्नेह भी मिल रहा है, मैं हृदय से आभारी हूँ। और एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी YouTube पर एक चैनल अर्चनाज RTF के नाम से है, आप चाहें तो उसे भी चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, मैं हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।